गोरखपुर, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में राज्य में स्थित है। गोरखपुर एक धार्मिक केंद्र में रूप में स्थित है और गोरखपुर का नाम गोरक्षनाथ जी पे रखा गया है। और गोरखपुर एक बहुत खूबसूरत शहर है। गोरखपुर में कई अच्छी चीज़ घूमने के लिए एक जगह है। और अगर आप गोरखपुर में घूमना जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो स्वागत है आप सभी के राजपूताना वीडियो ट्रॉफी में। तो आइए आप सभी को गोरखपुर के बारे में कुछ 10 चीज़ बताते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। तो राजपूताना वीडियो ट्रॉफी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपका छोटा भाई का चैनल। तो चलिए आपको बताते हैं गोरखपुर के 10 ब्यूटीफुल प्लेस। नंबर 10 पे है तारामंडल, इसे वीर बहादुर सिंह प्लेटेरियम भी कहते हैं और एक काफ़ी पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। वीर बहादुर प्लेटेरियम एक डिजिटल प्लेटेरियम भी है। यहाँ एंट्री फीस 25 रुपीज़ है और आप गोरखपुर आएँ तो यहाँ जा सकते हैं। नंबर 9 नेहरू पार्क, एक गोरखपुर का बहुत ही ब्यूटीफुल पार्क है और यहाँ पे आप जाकर शाम को वाटर फाउंटेन भी देखने को मिलेगा। टाइमिंग की बात करें तो ये सुबह के 6 से शाम के 7 बजे तक ओपन रहता है और यहाँ पर अपने फैमिली के साथ आकर के टाइम स्पेंड कर सकते हैं। नंबर 8 पे है कुसमी फॉरेस्ट और गोरखपुर से रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूर पर स्थित है और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि हिरन, बंदर, लोमड़ी सहित और भी कई सारे देखने को मिलेंगे। अगर आप नेचर लवर हैं तो आपको यहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए। नंबर 7 पे है अम्बेडकर पार्क, ये गोरखपुर का वन ऑफ द बेस्ट पार्क है। अम्बेडकर पार्क नदी के किनारे स्थित एक बहुत ही बड़ा ब्यूटीफुल पार्क है और यहाँ पे एक प्लेग्राउंड भी है और यहाँ हर दिन सुबह के 5 से रात 8 बजे तक ओपन रहता है। नंबर 6 रेल म्यूजियम गोरखपुर, यहाँ पे आप जा कर के कलरफुल टॉय टॉय की सवारी कर सकते हैं और इस रेल म्यूजियम में भारत के रेल इतिहास प्रदर्शित किया गया है और एक गोरखपुर रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूर पर बना हुआ है। आप गोरखपुर जाएं तो यहाँ पर ज़रूर जाएं। नंबर 5 विंध्यवासिनी पार्क, विंध्यवासिनी पार्क गोरखपुर में वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट पॉपुलर पार्क है और ये बहुत ही खूबसूरत पार्क है। सुबह के 4 से रात्रि 8 बजे तक ओपन रहता है। ये बहुत ही हरी भरी पार्क है और यहाँ पे आप लोग को बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत फ्लावर देखने को मिलेंगे और एक कपल पार्क भी कहते हैं। नंबर 4 पे है ब्लू लागून वाटर पार्क, जो कि गोरखपुर से 20 किलोमीटर दूर सुकरौली चौराहा पर स्थित है और यहाँ पर आकर के फैमिली के साथ काफ़ी सारा वाटर एक्टिविटी कर सकते हैं। नंबर 3 पे है गोरखपुर जू और इसे शाहिद असफतुल्ला खान प्राणी उद्यान भी कहते हैं। अगर गोरखपुर से शहर से 8 किलोमीटर दूर पर स्थित है और इस जू में आपको टाइगर, चीता जैसे एनिमल देखने को मिलेंगे। नंबर 2 रामगढ़ ताल, ये 7 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ गोरखपुर का बहुत ही बड़ा लेक है और यहाँ पे आप लोग जा कर के पिकनिक भी मनाते हैं, नौका भी यार आप जा कर के बोटिंग भी कर सकते हैं। और नंबर 1 पे है गोरखनाथ टेम्पल, गोरखनाथ जी के गोरखपुर का नाम रखा गया है और श्री गोरखनाथ मंदिर बहुत ही प्रचलित मंदिर है और ये मंदिर 24 घंटे खुली रहती है। तो अगर आप गोरखपुर जाएं तो गोरखनाथ मंदिर जाना ना भूलें। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी होगी तो राजपूताना वीडियो आप ही को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।